अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और जस्ट अभी इनका कॉल आया है कि मम्मी का ऑपरेशन फाइनली हो गया है अच्छी तरीके से, और मतलब इन्होंने पापा को भी कॉल करके बता दिया है, क्योंकि पापा ही परेशान होते हैं। हमने उनको बताया ही नहीं था कि अभी ऑपरेशन के लिए ले गए हैं, हमने बोल दिया था टाइमिंग थोड़ा सा आगे है, बट बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है ना। बट अच्छा हुआ कि अच्छी तरीके से ऑपरेशन हो गया, अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, मम्मी तैयार हो रही हैं, मेरी जो मदर इन लॉ है, तो हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल और उनको देख कर आते हैं। मम्मी को थोड़ा पेन हो रहा है, इन्होंने जैसे कि कॉल पर बताया, तो ऑब्वियसली यार ऑपरेशन है तो पेन हो ही रहा होगा, तो मैंने कहा मैं जैकेट डाल लेती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है। तो चलो लेके चलते हैं और दिखाते हैं हम आपको वहाँ पे। पर्स में कुछ जरूरी सामान वगैरह, जैसे चार्जर वगैरह है, तो अगर रात में रुकना होगा वहाँ पे जो भी है, तो चलो बताते हैं फिर हम। तो मम्मी की ऐसी हालत देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा ही पेन था, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर से जस्ट वो निकली ही थी और फिर हम पहुँचे थे देखने के लिए। मेरे इन लॉज भी थे मेरे साथ में और यहाँ पर वो लेटी, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो फिर डॉक्टर से बोला गया कि डॉक्टर आप कोई पेन किलर हो या कुछ इंजेक्शन वगैरह आप दे दो, जिससे कि इनका दर्द जो है वो कम हो जाए, क्योंकि नहीं देख पा रही थी यार मैं ऐसे। मम्मी बार बार बोल रही थी मुझसे कि दर्द ज़्यादा हो रहा है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। मैंने कहा मम्मा आप सो जाओ, आंखें बंद करके लेट जाओ, ठीक हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद में मैं भी यहाँ पर बाहर आ गई हूँ हॉस्पिटल में, और रूम से एक्चुअली बाहर निकल आई हूँ, और अभी इस टाइम पर मैं जा रही हूँ घर, मेरे देवर साथ में हैं मेरे और ये भी हैं। अभी रात के 12:15 हो रहे हैं और जस्ट अभी अभी मैं घर पर आई हूँ, और क्या हुआ ना कि इनको हमने जस्ट मतलब डिनर करवा दिया, और उसके बाद में ये वहाँ पर रुके हैं मम्मी के साथ में, क्योंकि ऑलरेडी स्टाफ नर्स वगैरह वार्ड बॉय वगैरह सब लोग थे, तो फिर उन्होंने कहा कि आप जाओ, मम्मी मेरी होश में आ गई थी, तो वो भी बोल रही थी कि जाओ बेटा अभी मैं ठीक हूँ और रात में यहाँ पर मत रुको, तो फिर इस वजह से मैं आ गई। पर मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी निकल जाऊंगी और फिर इनको फोन करती रहूंगी, वैसे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। बट हाँ ये है, जब ऑपरेशन हुआ था तब बहुत ज्यादा मम्मी को तकलीफ थी, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, कि हम डॉक्टर से बोल रहे थे कि आप थोड़ा सा तो आप पेन किलर कुछ और दे दो, बट एक ही बार दिया जाता है ऑपरेशन के टाइम पे, बार बार आप उनको हैवी डोज नहीं दे सकते हो। उसके बाद भी थोड़ी देर बाद एक इंजेक्शन दिया, दूसरे डॉक्टर से बात करी, इनके ही सब फ्रेंड्स हैं और अपना ही हॉस्पिटल है ये, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करा सबने, अच्छे से देखभाल करी है, और बस इसी बात का। और बाकी मैं जो स्टाफ वगैरह उनका नंबर ले आई हूँ, बाकी ये तो है ही है वहाँ पर, तो ऑफिस में बैठे रहेंगे, कभी मम्मा के पास में चले जाएंगे, तो पूरी रात पर जगते रहेंगे, फिर उसके बाद हम सुबह जाएंगे। तो अब देखो मैं मतलब भूख मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बट मतलब लोग कह रहे हैं थोड़ा बहुत कुछ खा लो, तो देखती हूँ कपड़े चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ खाती हूँ। अच्छा मैं ये जैकेट पहन गई थी, क्योंकि सर्दी लगाई बहुत ज्यादा हो रही थी, और मम्मा का जो बगल वाला जो बेड था वहां पर बोल रहे थे, और कोई पेशेंट नहीं था एक्चुअली, वहां पर आईसीयू था तो और कोई पेशेंट नहीं था, सिर्फ नर्सेस वगैरह बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर मतलब स्टे कर सकते हो रुकना चाहो। तो पहले मेरा प्लान था रुकने का, मैं अपना फोन भी चार्जिंग लगा दिया, मैं अपना चार्जर भी लेके गई थी, पर्स लेके गई थी, मतलब फिर ये हुआ कि चलो अब क्या करोगे जाके, तो इसलिए। और पापा वगैरह भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, बांदा में सिस्टर मेरी छुट्टी, तो ऑब्वियसली यार बात है ना कि घर वाले तो परेशान होते ही हैं। बहुत ज्यादा रोना आ रहा था मुझे, जब मम्मी को इतनी तकलीफ हो रही थी, अपनी माँ को इतनी ज्यादा तकलीफ में देखो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मतलब हम उनके बच्चे हैं, और जब हमें कोई तकलीफ होती है तो सोचो उन पे क्या बीतती होगी। आज मैंने बहुत ज्यादा कुछ फील करा, और बस ये कहो कि मैं रोई नहीं और कुछ भी नहीं। चलो छोड़ो अभी मैं देखती हूँ, चेंज वगैरह करती हूँ, और फिर इनसे रात में तो बात करती ही रहूंगी क्या चल रहा है वहां पर। खाना पीना तो कुछ भी दिया ही नहीं, आज सुबह से ही मम्मा ने कुछ नहीं खाया था, कल रात में जो खाया था खाया था, और अब आज रात के 12 बज गए, पूरा दिन पूरी रात निकल ही गई है इसी तरह से। अब आई थिंक कल शाम तक ही कुछ ना कुछ खाने के लिए उनको मिलेगा, खाने क्या वही पानी या चाय ले लो या कुछ ऐसा, देखते हैं जैसे भी डॉक्टर बताएंगे वैसे ही करेंगे।
तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अभी मेरी मदर इन लॉ बैठी हुई थी मेरे साथ में, थोड़ा सा खाना लेके आई है तो मैं वही खा रही हूँ। मतलब सुबह मैंने नाश्ता करा हुआ था, उसके बाद में कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। अभी ना बात करी थी, मैंने कॉल करी थी तो वहाँ पर सिस्टर जो है वहाँ पर, तो उनको मैंने कॉल करी थी। उनसे पहले मैंने पूछा कि मम्मा सो रही हैं या नहीं, उन्होंने बोला कि वो सो रही हैं, आप टेंशन नहीं लो। मैंने कहा ठीक है, ये एक्चुअली नीचे केबिन में बैठे हुए थे जो डॉक्टर है उनके पास में ही, तो मैंने कहा कि मैं उनका नंबर ले लेती हूँ, होता है ना कि आप पूछ लो बार बार। तो मैं ये तो वहां पर ही रहेंगे रात में, तो मैं मम्मी के रूम में जाकर सो जाऊंगी। अब नींद कहाँ आएगी यार, मतलब बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। बस आप लोग ब्लेसिंग्स करना कि मम्मी, बस आप लोग प्रेयर करना कि मम्मा जल्दी ठीक हो जाए। तो चलिए मैं आपसे कल सुबह बात करती हूँ। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में मैं फिर से हॉस्पिटल आ गई थी और फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करा उसमें आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि मम्मा से मिलवाइए प्लीज़ दिखाइए, तो आप लोग भी टेंशन ले रहे हो। तो यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं और उनको पेन में आराम है, कल रात पर उनको पेन रहा है ये बता रहे थे मुझको फ़ोन पर। पेन तो था, थोड़ा सा कम हुआ था पर था तो यार, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑपरेशन हुआ है उस टाइम आपको मतलब इंजेक्शन दे दिया जाता है, उसके बाद में तो आपको दर्द फील होता ही है ना। मैं भी आप लोग को मिलवाऊंगी और उनसे बात करूंगी मैं थोड़ा सा, जब भी वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगी तब। और यहाँ पे सिस्टर वगैरह सब लोग हैं। ठीक हो, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा आपको? कल ही तक था ज़्यादा, कल हुआ हुआ था ना इस वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा था, कल हुआ हुआ था ना इसलिए बहुत ज़्यादा होता है। बात नहीं करना, शांत होना, तो खिंचा होगा पेट में। तो ऑपरेशन होने के बाद में ना आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है, तो ये मम्मी 2 से 3 दिन तक आई थिंक आईसीयू में रहेंगी, जैसे भी डॉक्टर बोलेंगे वैसे ही हम करेंगे। और मैं मम्मी के पास में बैठी हूँ, थोड़ी देर मैं बैठती हूँ और फिर मेरी मदर इन लॉ आ जाती हैं, ये आ जाते हैं, तो मतलब ऐसे करके सब लोग आते जाते रहते हैं, तो उनके पास में कोई ना कोई बैठा ही रहता है। और मैं चाहती हूँ मैं पूरे टाइम रहूँ मम्मी के पास में, पर अगर मैं दिन जगूंगी रात जगूंगी तो फिर मतलब समझ सकते हो ना कि मम्मा भी बोल रही थी कि तुम भी मतलब तबीयत ख़राब हो जाएगी तुम्हारी भी। और यहाँ पर माँ आ चुकी हैं, तो अब माँ गई हैं तो उसके बाद में मैं घर चली जाऊँगी, तो इस तरीके से चल रहा। मैं यहाँ पर बोल रही थी कि माँ से आप बैठ जाइए और हम आराम से बैठे हुए हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, बस इसी का प्रॉब्लम था कि मम्मी बस जल्दी से ठीक हो जाएं और घर वापस आ जाएं। तो अभी माँ हॉस्पिटल में आ गई है तो मैं जा रही हूँ घर, इनको थोड़ा सा लंच वगैरह दूंगी क्योंकि आफ्टरनून का टाइम हो गया, सुबह की आई हूँ आफ्टरनून हो गया है तो इसलिए। अभी 3 का टाइम हो रहा है, जस्ट अभी अभी मैं घर पर आई हूँ, तो मैं घर पर आई ऑलरेडी घर पे थी क्योंकि सुबह फिर आ गए थे क्योंकि रात भर में रुके हुए थे। सुबह से फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया यार, मतलब ऐसी सिचुएशन है कि मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ। बस आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं थोड़ा बहुत शूट कर ले रही हूँ। और मैंने इनको लंच दिया और अभी इस टाइम पे मेरी मदर इन लॉ पहुँच गई, जैसे कि आपने देखा। मैं घर पर आकर मैं फिर से शावर लूँगी, सुबह सुबह जस्ट मैं गई थी, मैं जल्दी जल्दी मैं चली गई थी, मुझे नहीं पता था ज़्यादा लेट हो जाएगा। फिर मैं अभी जस्ट आई हूँ, अब फिर से शावर लेती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, कुछ खाना पीना खाती हूँ, उसके बाद में मैं फिर से जाऊँगी, फिर मदर इन लॉ मेरी यहाँ पर आ जाएंगी, तो परमानेंट उनके पास में बैठने के लिए चाहिए ही चाहिए ना कोई। और ये भी जा चुके हैं तो अभी अभी जस्ट गए हुए हैं, तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा रेडी वेडी हो जाती हूँ, फ्रेशन अप हो जाती हूँ और जो भी अपडेट होती है फिर मैं आप लोगों को देती रहती हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी जो वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत सारी मतलब प्रेयर करी, थैंक यू। आप भी हमारी फैमिली ही बन गए हो जिससे कि मैं सारी चीज़ें शेयर कर पाती हूँ। पापा का भी सुबह कॉल आया था, ताई जी का कॉल आया था, मेरी सिस्टर का कॉल आया था, मेरे भाई का कॉल, मतलब सबका, जी की बेटी, तो सब लोग बोलते हैं मम्मी से बात कर दो, पर ऑपरेशन के मतलब ऑपरेशन हुआ है तो वो होश में नहीं है अभी, और मतलब होश आ जाता है फिर तो नींद में भी हैं, तो उनको तकलीफ कुछ ज्यादा ही थी कल, बट अभी ठीक है, उनका पेन में उनको रिलीफ है। कल रात में तो बहुत ज्यादा उनको पेन हो रहा था कि मतलब देखा भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, बट अभी ठीक है और उनकी मेडिसिन वगैरह चल रही है, ड्रिप लगी हुई है, बॉटल्स वगैरह, तो सारी चीजें जाती हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह से मैं आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी जो भी होगा, फिलहाल अभी मैं वॉइस ओवर करके आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।